The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, ye series chal rahi hai Her Health, yani female हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं. हमने ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और पीरियड में दर्द क्यों होता है उसके बारे में वीडियो बनाया. आज हम बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में, यानी पीरियड्स आने से पहले जो आपको दिक्कतें होती हैं वो क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, राइट. कई सिम्टम्स हैं इसमें, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स सिंड्रोम्स, और कई लोगों को समझ नहीं आता ये क्या है, कई लोगों को कन्फ्यूजन है ये सब मुझे क्यों हो रहा है. डॉक्टर के पास जाते हैं, कई लोग बताते नहीं है कि उनके पीरियड्स आते से पहले हमेशा होता है, हर महीने होता है, और ये बहुत कॉमन है. रिमेंबर, क्या है ये फीमेल्स की बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं, और ये कब होता है, आपका महीने के बीच में होता है, महीने के एकदम बीचों बीच, यानी जब आपका महीना आना बंद हो जाता है उसके बाद 14 दिन या उसके 14 दिन के थोड़े दिन के बाद शुरू होगा दिक्कत. और जब आपका महीना आना शुरू होगा, राइट, पीरियड्स आने शुरू होंगे उसके एक या दो दिन बाद तक वो कई बार ख़त्म हो जाते हैं. तो ये होते हैं उसका कॉमन टाइम जब ये होता है. क्या होता है, क्यों होता है, ये समझते हैं. पहले तो समझिए क्या होता है. कई फीमेल्स को पीरियड्स आने के पहले गैस होनी शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग होती है, फील होता है कि पूरा पेट गैसी गैस भरा पड़ा है, या कई बार ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, ब्रेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है, या क्लम्जीनेस होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होती है, डायरिया हो जाता है, या फूड कुछ खाने का बहुत मन करता है, क्रेविंग्स हो जाती है, सर में दर्द होता है, या फिर कई बार आवाज़ से या लाइट से इंटॉलरेंस हो जाता है. ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है. और कई और चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि कन्फ्यूजन हो जाना, आपको थकावट, भूल जाना, याद नहीं रहना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, स्लो श्लगिश फील करना, थोड़ा डिप्रेशन या होपलेसनेस, सैडनेस आने लगना, एनजाइटी हो जाना, टेंशन हो जाना, ये सब हो सकता है. तो ये पूरा चीज़ें हो सकती है. इवन आप कई बार गुस्सा आ सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, इरिटेबल हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, जजमेंट कम ज़्यादा हो सकता है, ये सब हो सकता है. यहाँ तक कि नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, नींद बहुत कम आना या बहुत ज़्यादा आना हो सकता है. और कई बार सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि सेक्स ड्राइव ख़त्म हो गई या सेक्स ड्राइव बहुत ही बढ़ गई. ये सब इश्यूज़ हो सकते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. क्यों क्यों होता है ये सब? ऑब्वियसली ये आपके हॉर्मोन्स के वजह से होता है, और एग्जैक्टली एक हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसमें. ब्रेन से कनेक्टेड जितने भी हॉर्मोन, सेरोटोनिन और आपके हॉर्मोनल लेवल, जितने हॉर्मोन, उसमें थोड़े इम्बैलेंसेस के वजह से ये होता है. ज़्यादातर लोगों को जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है उनके खुद के सोशल, कल्चरल, बाकी सारे उनके रहन सहन के या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के वजह से भी होता है. ये मैंने आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, ऑलरेडी गुस्सा रहते हैं, ऑलरेडी ये है और ये चीज़ हो रही है, ज़्यादा हो जा रही है. सो कुछ ना कुछ इसके फैक्टर भी होते हैं साथ में. लेकिन जो ज़्यादा पाया गया है कि ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है ये 20 लेट 20s की उम्र में, यानी 21-22 यानी 25 के बाद, 25 से के बाद ज़्यादा पाया जाता है, और 30 के बाद, 40 के बाद ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जब तक आपका मेनोपॉज, महीने आने ख़त्म नहीं होते जब तक, उस उम्र तक धीरे 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 बढ़ता रहता है. और जिनको फैमिली में डिप्रेशन है या उन जिनको मेजर डिप्रेशन प्रॉब्लम है उनको ये दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है, या अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद ये दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है. एक बच्चा कम से कम भी, बच्चे की डिलीवरी के बाद, या पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाए मान लो, तब ज़्यादा दिख जाती है. तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखी जाती है. तो ये कॉमन कारण है, और हमें ये देखना है कि इसमें टेस्ट क्या करने हैं, क्या, कैसे आप पता कर सकते हैं हुआ क्या है. सबसे बड़ी चीज़, आपको डॉक्टर के पास जाना है, मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल चेकअप करेंगे आपका ऊपर से नीचे तक, इवन पेल्विक चेकअप होता है ये देखने के लिए कि कोई इसका कारण पकड़ में आए. हार्मोन छोड़ के, नॉर्मल का छोड़ के, कोई रसोली, कोई फाइब्रॉयड, कोई इन्फेक्शन, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई अगर कारण पकड़ लेते हैं तो उसको ठीक करने से प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे. अगर वो
ठीक नहीं होता है तो फिर बेसिक आपको एक प्लान दिया जाता है कि आपको एक कैलेंडर मेंटेन करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आपको लिखना है कि आपको कौन से सिम्टम होते हैं, कब कब होते हैं, कितनी देर के लिए होते हैं, कितने सिवियर होते हैं, और एटलीस्ट 3 महीने के लिए लिखना है ताकि इससे कन्फर्म भी होगा कि आपको PMS है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और इसे ट्रीटमेंट करने में भी आसानी होगी। ये रिकॉर्ड आपको डॉक्टर को दिखाना है हर बार, और फिर डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बताएंगे। देखिए लाइफस्टाइल चेंजेस क्यों, क्योंकि आप ही के अंदर हार्मोनल सिस्टम है, या आप ही के अंदर प्रॉपर सही तरीके से लाइफस्टाइल जीने से ठीक होंगे। नंबर वन चीज उसमें है पानी, पानी आपको खूब पीना है, वाटर, जूस ये पी सकते हैं, और 3 से 4 लीटर कम से कम पानी पीने की कोशिश करनी है, और जो ड्रिंक्स है, अल्कोहल है, कॉफ़ी है, इस तरह की चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये कम पीना, ये नहीं पीना है, राइट। ये हेल्प करेगा आपकी ब्लोटिंग कम करने में, फ्लूइड रिटेंशन, अदर बहुत सारे सिम्टम्स कम होते हैं, इसी से, सिर्फ इसी से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, हर 3 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो आपको मीठा और सॉल्ट और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें अवॉइड करनी है, सब्जियां ज़्यादा खानी है, वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, प्रोटीन प्रॉपर खाना है अपना ज़रूरी, बैलेंस्ड डाइट लेनी है, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी। और ये देखा गया है कई विटामिंस की कमी के वजह से भी ये होता है, जैसे B12, B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ट्रिप्टोफैन दूध में होता है, सो ये कई चीज़ों की कमी के वजह से पाया जाता है। तो जब ये कमियां मिलती हैं टेस्टों में तो इनको पूरी करने से बहुत हेल्प मिलती है, कई लोगों को इससे आराम मिलता है, इसलिए कई डॉक्टर्स आपको मल्टीविटामिन भी देंगे। और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है, एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे पूरे महीना, मतलब जब पेन है तब तो थोड़ा मुश्किल होगा, जब दिक्कत है तब तो मुश्किल होगा, लेकिन जब नहीं है तब एक्सरसाइज अगर पूरा महीना करेंगे तो आगे वाले महीने में ये दिक्कतें कम आएंगी, इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी, कोई भी एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, आप कार्डियो कर लो, आप स्विमिंग कर लो, आप योगा, थोड़ा योगा कर लो, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, सब बहुत ज़रूरी है, मगर एक एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूरी है बीच बीच में, चाहे 10 मिनट के लिए हो, चाहे आधा घंटा हो, डजंट मैटर, वॉकिंग नहीं, थोड़ी सी चैलेंज करना अपने आप को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और नींद बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू स्लीप प्रॉपर, 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शेड्यूल प्रॉब्लम है तो शेड्यूल ठीक करिए कि 7 से 9 घंटे नींद मिले, चाहे एक बार में मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम रात को दोपहर को मिला के 7-8-9 घंटे कंप्लीट हो। और ज़रूरत पड़े अगर आपको हेडेक है, बैक एक है, मेंस्ट्रुअल पेन, यहाँ नीचे क्रैम्प है, ब्रेस्ट में पेन है, तो फिर आप पेन किलर ले सकते हो, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे कि ब्रूफिन, पैरासिटामोल, क्रोसिन और नेप्रोक्सिन, ये दवाएं ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए। रेगुलर लेंगे तो इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, और गैस हो जाएगी, अल्सर हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, ये बहुत साइड इफेक्ट वाली चीज़ें हैं, रेगुलर नहीं लेना है, कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स भी एक ऑप्शन है, बर्थ कंट्रोल पिल्स से कई लोगों के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि हॉर्मोन्स का खेल है, तो हॉर्मोनल इम्बैलेंस जरूरी नहीं है कि बर्थ कंट्रोल से बैलेंस सेट हो ही जाएगा। सो ये हॉर्मोन्स के साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, दूसरे फैक्टर्स भी प्ले करते हैं, तो कई लोगों को आराम मिलेगा, कई लोगों की दिक्कत बढ़ जाएगी, इसलिए ये चीज आप डॉक्टर की निगरानी में ही करेंगे, बर्थ कंट्रोल पिल्स। बहुत सीवियर केसेस हैं, डिप्रेशन भी है, उल्टी सीधे ख्याल आ रहे हैं आपको, तो फिर डिप्रेशन की दवा, एंटी डिप्रेसेंट्स आपको दिए गए जा सकते हैं डॉक्टर के द्वारा, एंटी एंजाइटी मेडिसिन, डायूरेटिक, पेशाब ज़्यादा आने वाली ताकि आपकी फ्लूइड रिटेंशन, ब्लोटिंग, ये सब कम हो, राइट। कई बार ब्रेस्ट टेंडरनेस भी उससे कम होती है, डिप्रेशन की दवाएँ से कम होती हैं, ये भी चीज़ें ट्राई किए जा सकती है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द इनके ज़रूरत ख़त्म हो, इसलिए लाइफस्टाइल चेंजेस बेस्ट होती हैं। ये इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, इसके वजह से जान नहीं जाती, इसके वजह से कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कई लोग इसके वजह से और डिप्रेस होते जाते हैं, क्योंकि वो कई को बताते नहीं, डॉक्टर को बताते नहीं, किसी चीज़ को नहीं बताते। तो आपको बाहर आना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको इन सारी छोटी छोटी सेल्फ हेल्प वाली चीज़ों से, होम रेमेडीज से ठीक नहीं हो रहे, दर्द दिक्कत बढ़ती जा रही है, या आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे इनके वजह से, तो फिर, या फिर आपको लग रहा है कि मैं खुद को हर्ट करूं, डिप्रेशन ज़्यादा हो गया है, ऐसी बातें आ रही है, खुद को नुकसान पहुंचाने के दिमाग में ख्याल आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिनों के इलाज से ठीक हो जाएगी, रेगुलर लाइफस्टाइल से कभी आगे नहीं आएगी, तो आपको ऑब्वियसली इसको ठीक करना ज़रूरी है। सो ये हुई बात बहुत सिंपल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की। मानेंगे इससे कई लोग इस चक्करों में डिप्रेशन से सुसाइड तक कर लेते हैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से। सो क्यों सिर्फ उन्हें पता नहीं, नॉलेज नहीं, क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं, क्योंकि सही
इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर ज़रूर शेयर करिए, सबको बताइए। कोई सवाल है नीचे लिखिए, और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और कीप फॉलोइंग, शेयरिंग, आई एम कमिंग लाइव ऑन डेली बेसिस, है ना। रात को 10 बजे मिलते हैं। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर इजिप्शियन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बाय।